श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश बरसाना धाम की परिक्रमा के दौरान अब हम आ गए हैं मान मंदिर के दर्शन करने। इस वीडियो से पहले आपने राधा सरोवर के दर्शन किए थे। राधा सरोवर के दर्शन से पहले गहवर वन के भी दर्शन हुए थे। इसके दो वीडियो अपलोड हो गए हैं। अब हम मान मंदिर चलेंगे। मान मंदिर देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों से चढ़ते 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 ऊपर जाने के बाद मान मंदिर के हमको दर्शन होंगे। बहुत भव्य नज़ारा है इस मान मंदिर का। ऊंचाइयों पर है क्योंकि ऊंची वाली मेरी राधा रानी है, बरसाने वाली मेरी राधा रानी है। यहीं से परिक्रमा मार्ग भी आपका निकलेगा। तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग होते हुए फिर बरसाना धाम भी जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए राधा नाम आपको हर सीढ़ी पर दिख रहा है। राधा नाम लेते हुए ऊपर चढ़िए और सुंदर रमणीक स्थलों के दर्शन करिए। देखिए कितना सुंदर और हृदय को प्रसन्न करने वाला यह स्थान है। बच्चे बहुत तेज़ी से चढ़ पा रहे हैं, सांस इनकी नहीं फूल रही है, जबकि बुजुर्ग व्यक्ति ऊपर चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है। बच्चों में काफ़ी सामर्थ्य होती है। तो देखिए मान मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने राधा सरोवर जी के दर्शन किए थे। राधा सरोवर में बैठकर हमने ईश्वर का भजन किया था राधा रानी की कृपा से। वहीं राधा सरोवर के जल का पान भी हुआ था। वहीं गहवर वन के भी दर्शन हुए थे। ये सब स्थली हमारे युगल सरकार के स्थली है। यहाँ पर वन विहार करते हैं, नित्य विहार करते हैं, अपनी लीलाएँ करते हैं हमारी युगल सरकार। तो ये स्थली प्राण पिए हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे राधा वल्लभ लाल यहाँ विचरण करते रहते हैं, क्रियाएं करते हैं, है ना। तो ऊपर हम चढ़ रहे हैं, आप भी मानसिक रूप से राधा राधा कहते हुए ऊपर चढ़िए। ऊपर चढ़ते 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 आपको मान मंदिर के दर्शन होंगे। और सौभाग्य हमारा ये उदय हुआ कि मान मंदिर में बहुत प्रसिद्ध संत महात्मा के हमको दर्शन हो गए। यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये तो राधा रानी की अहितु की कृपा थी कि अचानक वो आ गए और हमने उन्हें देख लिया और जाके प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए ऊंचाई पर कुछ चढ़ गए हैं और देखिए नीचे का नज़ारा कैसा लग रहा है, ये आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। दूर दूर सब कुछ दिखने लग जाता है ऊँचाई पर चढ़ने पर। अभी आप ऊपर चढ़ेंगे और आप दर्शन करेंगे। देखिए बहुत दूर दूर दिख रहा है। ये वीडियो में देखने से इतना अच्छा लग रहा है, जब आप साक्षात जाके दर्शन करोगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा। देखिए ये परिक्रमा मार्ग भी यहाँ से चालू ही हो जाएगा। ऊपर से एक दूसरा परिक्रमा मार्ग है, उससे भी लोग बरसाना धाम श्री राधा रानी के दर्शन करने भी जाते हैं। और नीचे भी एक परिक्रमा मार्ग है। तो दो परिक्रमा मार्ग हैं। हम ऊपर वाले रास्ते से बरसाना धाम श्री राधा रानी के दर्शन करने जाएंगे। देखिए अभी सीढ़ियाँ बहुत हैं, बहुत सीढ़ियाँ हैं। राधा नाम की गूंज होनी चाहिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य यही है कि हमें ईश्वर का नाम हमेशा हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में छाया रहे। नाम से हम कभी विलग न हो। भगवान का नाम परम पवित्र है, सभी कष्टों सभी दुखों को दूर करने वाला है। इस जीवन में यदि नाम को हमने पकड़ लिया तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण का चक्कर हमारा छूट जाएगा। अगर मनुष्य जीवन पाने के बाद हमने नाम का सहारा नहीं लिया इस कलयुग में, तो कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है जो हमें तार सके। नाम ही ऐसा साधन है जो भगवत साक्षात्कार करा के हमें भगवान की प्राप्ति करवा देता। देखिए मान मंदिर के आपको दर्शन हो गए। ये है मान मंदिर। हम पहुँच चुके हैं। किशोरी जी का नाम लिखा हुआ है मान मंदिर। देखिए सरकार के द्वारा बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ी सी और सीढ़ियां हैं, वहां पर देखिए हम अब पहुंचने वाले हैं। मानगढ़ लिखा हुआ है, ऊपर मान मंदिर है, जय श्री राधे लिखा हुआ है। देखिए ऊपर की तरफ भी हम जाएंगे। हमें संत महात्मा के दर्शन, जो मोटरसाइकिल आगे खड़ी हुई है, यहीं पर एक लिफ्ट लगी हुई है, यहीं पर संत महात्मा के दर्शन हुए थे। ये देखिए अब ऊपर से नज़ारा देखते हैं नीचे का। देखिए नीचे दूर दूर तक हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम ऊपर बैठे हैं और कहाँ कहाँ क्या बना है, कहाँ कहाँ क्या स्थित है, हमें सब दिख रहा है।
आप भी दर्शन करिए। ये देखिए यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है, कुछ ही समय में आप देखेंगे यहाँ भव्य कुछ बहुत ऐसा अच्छा बनेगा जिससे हृदय को प्रसन्नता होगी, क्योंकि हमारी युगल सरकार यहाँ पे शायद विराजमान होंगे और हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए दूर दूर का नज़ारा आप देखिए, बहुत दूर आपको दिख रहा है, कई किलोमीटर दूर आपको दिख रहे हैं, घर बने हुए दिख रहे हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम मान मंदिर में थोड़ा सा और विचरण करते हैं और आप भी दर्शन करते हैं। ऊपर की तरफ जो रास्ता गया हुआ है यहाँ भी हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम जाकर दर्शन कराएंगे ऊपर से क्या नज़ारा होता है। एक बार परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी संत महात्मा के दर्शन किए थे, जिनके हमें दर्शन हुए थे। तो देखिए अभी नीचे का नज़ारा आपने देखा, अब हम ऊपर का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। ऊपर देखिए, ये देखिए अभी ऊपर भी जाएंगे हम, ऊपर से नीचे आते हुए आपको वीडियो दिखाया जाएगा। ये है मान मंदिर का आपको भव्य नज़ारा, पीछे की तरफ मंदिर है, अभी खुलने का समय नहीं है। अब हम ऊपर चढ़ गए हैं, देखिए सबसे ऊपर आ गए हैं जहाँ संत कुटिया है, यहाँ पे संत महात्मा यहाँ पे विराजमान रहते हैं। सबसे ऊपर ये देखिए बिजली के तार लगे हुए हैं, बंदर ना प्रवेश कर पाए। देखिए ये देखिए दूर दूर का नज़ारा आपको देखने को प्राप्त हो रहा है मोबाइल के ज़रिए। ये देखिए सामने, ये देखिए ये मंदिर है, राजस्थान सरकार के कब्जे में है, मतलब राजस्थान का अथॉरिटी है, हमारी युगल सरकार यहाँ पे विराजमान। इस मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे, इसी मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं, आधा किलोमीटर के अंदर ही हमारी राधा रानी के दर्शन होंगे। उस मंदिर में भी हम चलेंगे, अगले वीडियो में चलेंगे। अब देखिए ये ऊपर का नज़ारा आपने देख लिया, मान मंदिर देखिए गहवरवर बरसाना है ना, गहवरवर नीचे की तरफ है, मोरकुटी भी नीचे है, राधा सरोवर भी नीचे है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिए जो रेलिंग आपको दिखाई थी, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाते जाते आपको भव्य नज़ारा का दर्शन भी करा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बरसाना धाम का यह स्थान है, मान मंदिर। मान मंदिर क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर श्री राधा रानी ने मान कर लिया था, भगवान मनाने के लिए आए थे। मोर कुटी में भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण करके राधा रानी के सामने नृत्य किया था, तो मोर कुटी भी बगल में ही है, गहेवर वन बगल में है। ये देखिए आपको मान मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। अब अगले वीडियो में आपको हम वो जो राजस्थान सरकार के अंडर में जो मंदिर है उसके हम आपको दर्शन कराएंगे, फिर बरसाना धाम के भी दर्शन करवाएंगे अगले वीडियो में। और ये यहाँ से लेकर मान मंदिर से लेकर बरसाना धाम पैदल यात्रा का वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि भव्य बहुत ही सुंदर वीडियो बना हुआ है, और इस वीडियो के भी आप दर्शन कर लीजिएगा। देखिए संत महात्मा बैठे बैठे दर्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, अंदर की तरफ थोड़ा सा नज़ारा देखिए, है ना। यहाँ पर लिफ्ट लगी है, इधर दाहिनी तरफ